हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, कि ग्राफिकली ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। देन वी विल सी सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स व्हिच यूजेस कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो आइए आपको मैं 3D विजुलाइजेशन के थ्रू समझाता हूँ कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स सी इट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है 3D में। सो हमें करना ये है कि यहाँ पर आपको रेक्टेंगल शेप का जो बेस दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो ये रेड कलर का सरफेस बाउंड करेगा। यानी कि देखिएगा, यहाँ पर जो बेस वाला सरफेस है उसे मैं कुछ इस तरह ड्रॉ करता हूँ, एंड जो अपर सरफेस है रेड कलर में उसे मैं रफली कुछ इस तरह ड्रॉ करता हूँ। ओके, देन फ्रेंड्स, ये जो अपर सरफेस है ये कितना वॉल्यूम बाउंड कर रहा है रेक्टेंगुलर बेस के साथ, इस वॉल्यूम को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? ट्रिपल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से, इवन डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको डबल इंटीग्रेशन से बताऊंगा, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सो देखिए, कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर आपको ये जो एक मैंने ड्रॉ करके दिखाया 3D वर्टिकल स्ट्रिप दिख रहा है आप सबको, ये जो येलो कलर में 3D वर्टिकल स्ट्रिप है, एक वर्टिकल स्ट्रिप की हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे जिसे मैं कहता हूँ DV। ऐसे बहुत सारे वर्टिकल स्ट्रिप को हम लोग ऐड करेंगे, यानी उनके वॉल्यूम को ऐड करेंगे। बट मुझे सबसे पहले ये देखना होगा ना कि ऐसे कितने वर्टिकल स्ट्रिप ऐड करने हैं। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पर बनाए हैं। तो एक एक बॉक्स में एक एक स्ट्रिप ऐड होगा, और हर एक स्ट्रिप की जो हाइट है वो वेरिएबल होगी। वेरिएबल क्यों होगी? क्योंकि स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक हाइट उसका वेरी होना चाहिए, इस बेस से लेकर इस कर्व तक, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगर मैं इस स्ट्रिप को ये मूव करूँ, तो मूव करके मैं दिखाता हूँ। सी, तो हर एक पोजीशन पे, एक मिनट थोड़ा सा और मैं डाउन करता हूँ डायग्राम, अब आपको अच्छा दिखेगा। देखिए, ऐसे मैं स्ट्रिप मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे हर एक पोजीशन पे स्ट्रिप की हाइट अलग अलग है। ठीक है, स्ट्रिप का जो हाइट है वो बेस से लेकर कर्व तक जाएगा, और कर्व पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसे मैं पी कह रहा हूँ, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब जेड। जेड को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। जैसे आप वाई को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, है ना, तो इस वाई की जगह आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह जेड को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम स्ट्रिप मूव कर रहे हैं, हर पोजीशन पे स्ट्रिप की हाइट अलग है। हमारा एम है एक स्ट्रिप की एरिया ऐसा वॉल्यूम फाइंड करना। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप ऐड करूँ तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। सी, तो अब मैंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप को ऐड किया है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप को ऐड करने पर जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो इस कर्व का मिलेगा जो वो रेक्टेंगुलर एरिया के साथ बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिप की वॉल्यूम निकालेंगे, तो मैं वापस एक स्ट्रिप पे आ जाता हूँ। सी, तो एक स्ट्रिप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले डायग्राम को उल्टा करके इस डायग्राम का बेस देखते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप है अपने पास, इसका ये बेस है, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो सपोज ये dx है और dy ये हाइट है, dx विड्थ है, dy हाइट है। ठीक है, तो बेस एरिया क्या होगी, dx इंटू dy, एम आई राइट? ओके, सो सी नाउ व्हाट इज हाइट, व्हाट इज हाइट ऑफ दिस स्ट्रिप। सो हाइट इज वेरिएबल, से हाइट इज जेड, ओके, और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, वी कैन ऑल्सो से दैट। सो अगर मैं इसको जेड से मल्टीप्लाई करूँ, देन आई विल गेट वॉल्यूम ऑफ दिस वन स्ट्रिप। तो ऐसे हमें बहुत सारे स्ट्रिप की वॉल्यूम ऐड करनी है, और जब मैं बहुत सारे स्ट्रिप के ऐसे वॉल्यूम ऐड करूँगा तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे वॉल्यूम्स ऐड करना यानी इंटीग्रेट करना, ओके, यानी मुझे इंटीग्रेट करना होगा जेड डी एक्स डी वाई को। फ्रेंड्स, यहाँ पर डी एक्स डी वाई दो वेरिएबल है ना, तो हमें दो बार यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, देन डी वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें देगा टोटल वॉल्यूम, ओके। यहाँ पर लिमिट्स क्या होंगी, पहले हम यहाँ पर x की लिमिट लिख देंगे, x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, देन y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, ओके। ये आपको ऑलरेडी, अगर आपने डबल इंटीग्रेशन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ये जो अपने पास बेस एरिया है ना, इसमें x कितना वेरी हो रहा है तो उसकी लिमिट पहले पुट कर दीजिए, देन y कितना वेरी हो रहा है उसकी लिमिट पुट कर दीजिए। उल्टा भी कर सकते हैं, y की लिमिट पुट कीजिए फिर x की लिमिट पुट कीजिए। आगे मैं डिस्कस करूँगा इस चीज़ को कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था, एक बार सिर्फ क्विक रिवाइज कराया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ गया। देन जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, देन अगेन मैं आपको लिमिट कैसे पुट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखिएगा, जो अपने पास ये एक स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप का एक स्ट्रिप के वॉल्यूम को जब हमने ऐडअप किया तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल गया। तो फॉर्मूला बनी जेड डी एक्स डी वाई। बट मुझे बताइए, ये जो जेड है
क्या इस जेड को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इंटीग्रेशन डी जेड? यस, इंटीग्रेशन डी जेड इज जेड। तो ऐसे भी तो आप कंसीडर कर सकते हैं ना, ये पूरा जेड है अगर, तो इसका अगर छोटा सा एक पार्ट लूँ तो वो होगा डी जेड। तो ऐसे डी जेड को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सारे डी जेड को एडअप करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। हैंस दिस जेड कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन डी जेड, करेक्ट। देन डी एक्स डी वाई देन डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये जो बाहर दो इंटीग्रेशन था वो। तो आप देख सकते हैं इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें सेम है। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉट, वॉल्यूम बाउंडेड बाय गिवन कर्व जेड विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया। ओके, जो भी एरिया होगी, मैंने रेक्टेंगुलर लिया है, कोई दूसरे शेप का भी हो सकता है। ओके तो आगे मैं आपको जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा वॉल्यूम के, तो उसमें कवर कराऊंगा कैसे अलग अलग बेस एरिया हो सकते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे ध्यान दीजिएगा, हमने देखा था कि डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई दिस रिप्रेजेंट्स एरिया। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ डबल इंटीग्रेशन की वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में बताया मैंने। देन फ्रेंड्स हमने देखा डबल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई दिस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन जिसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है वो भी वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। सुनिए, डबल इंटीग्रेशन जिसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन मतलब नहीं है, समझा, डी एक्स डी वाई है, कोई इसके साथ कोई इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाता है जैसे जेड, तो ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी वॉल्यूम है। बट क्वेश्चन ये है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन ऐड कर दें, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई एक इक्वेशन यहाँ ऐड हो जाए, तब क्या होगा? तब आप देख सकते हैं ये 2D है, ये 3D है, तो यहाँ पर एक ऐड करने में 4D नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होगा। तो इसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इफ अ फंक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, देन ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स सी इट। सो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि कैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई एंड डी जेड ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक्स वाई जेड की लिमिट भी आएगी। लिमिट कैसे लगाते हैं ये हम क्वेश्चंस के जरिए जब सॉल्व कराएंगे क्वेश्चंस को, तब तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल आपको इतना तो समझ गया कि ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम होता है। बट क्वेश्चन ये है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ अगर कोई फंक्शन आ जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन डी एक्स डी वाई डी जेड, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो करना चाहूँगा। सो सी, जैसे यहाँ पर हम लोग लेंगे डेंसिटी का एग्जाम्पल, तो वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, हैंस वॉल्यूम अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मास का इक्वेशन मिलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो अगर मैं हर एक चीज़ को सिंबल से रिप्रेजेंट करूँ तो आगे का डेरिवेशन देखिएगा। यहाँ पर हम लोग मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, डेंसिटी रो, वॉल्यूम वी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंबल को तो हम ये लिख सकते हैं। बट वी ऑलरेडी नो दैट वॉल्यूम इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ देन आई विल गेट दिस इक्वेशन। दैट मीन्स इन सम सिचुएशन ट्रिपल इंटीग्रेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सम सिचुएशन, ओके, ट्रिपल इंटीग्रेशन सम फंक्शन इन टू डी एक्स डी वाई डी जेड रिप्रेजेंट मास। अगर यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो भी यहाँ इक्वेशन होगी वो डेंसिटी फंक्शन है, यानी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ये पूरा दिमाग में बैठा लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ये एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि डी एक्स डी वाई डी जेड एक्चुअली में क्या है। डी एक्स डी वाई डी जेड वॉट इज दिस? दिस इज स्मॉल वॉल्यूम। आप बोलेंगे सर कैसे? तो ये बहुत ही आसान है। अगर हम लोग देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डी एक्स डी वाई वो स्ट्रिप का बेस एरिया था। फ्रेंड्स अगर मैं हम लोग छोटा सा हाइट ले लें कुछ इस तरह, तो और ये हाइट सपोज डी जेड है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल वॉल्यूम, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल वॉल्यूम को जब हम एडअप करते हैं तब हमें टोटल वॉल्यूम भी मिलता है, ओके। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कैसे मास जो है वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं ट्रिपल इंटीग्रेशन से। अगर डी एक्स डी वाई डी जेड के साथ यहाँ पर जो इक्वेशन है वो डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। तो वैसे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज चार्ज डेंसिटी है कोई भी सिंबल जैसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जो भी फिजिक्स में यूज़ होता होगा, मुझे अभी याद नहीं है, तो आप कंसिडर कर लीजिए जो भी सिंबल यूज़ होता है चार्ज डेंसिटी के लिए। तो मैं अब यहाँ पर लैम्बडा यूज़ कर रहा हूँ, तो वी हैव क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा वी, ओके। वी ऑलरेडी नो दैट वी इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन लैम्बडा देन डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके। सो इस तरह फ्रेंड्स डी एक्स डी वाई डी जेड के साथ ये जो चीज़ है, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज डेंसिटी, तो इसका आंसर होगा अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम्स, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिलेगा। तो इसलिए अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूँ कि ट्रिपल इंटीग्रेशन
डी एक्स डी वाई डी जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर है वॉल्यूम। बट इसके साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये चीज़ ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर ये डेंसिटी फंक्शन यहाँ पर है तो मास, चार्ज डेंसिटी फंक्शन है तो अमाउंट ऑफ चार्ज, इवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप थोड़ा सर्च मारना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड है ट्रिपल इंटीग्रेशन से। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको इतना समझ गया कि ट्रिपल इंटीग्रेशन विदाउट फंक्शन, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड इज वॉल्यूम, एंड विद फंक्शन क्या इंटरप्रिटेशन है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन इवेलुएट कैसे किया जाता है। एक बार वो सीख जाएंगे देन आप इन कंसेप्ट को किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। सो लेट्स सी।